हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना है। देखो यहाँ पर ना आपके पास में तीन फंक्शनलिटी प्रेजेंट है, SO3H ग्रुप, कीटोन और ये एल्कीन एल्कीन। ओके बच्चों, तो इनमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है ना बच्चों, SO3H की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी आपके सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। फिर आता है कीटोन का नंबर और उसके पीछे रह जाती है एल्कीन। इसके लिए हम यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड, ऐसे करके लिखेंगे बच्चों इसको पूरा। ओके अब क्योंकि ये बीच में आ रहा है बच्चों, ओके तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसका प्रीफिक्स होता है कीटोन का ओक्सो, और एल्कीन के लिए हम इन लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं बच्चों? इन लिखते हैं। अब इसकी नंबरिंग करेंगे बच्चों, नंबरिंग कुछ इस हिसाब से करेंगे, SO3H वाले कार्बन को सबसे छोटा नंबर मिले, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया बच्चों। मेन चेन में 8 कार्बन है बच्चों, ओके तो वर्ड रूट हो जाएगा ओक्ट। ओके 7, ये 6 नंबर पे एल्कीन आ रही है बच्चों आपकी, एक सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 6 नंबर पे आपकी ये एक एल्कीन है यहाँ पर। एक सेकंड बच्चों, इसको अगर हम ऐसे ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 आ रहे हैं बच्चों, लेकिन ऐसे जा रहे हैं तो हमारे पास में इसमें 8 आ जाएंगे बच्चों। क्या आ जाएंगे बच्चों? 8 आ जाएंगे। ओके तो यहाँ पर ये बन जाएगा ओक्ट 8 नंबर पे, लेकिन ये वाला कार्बन भी हमें लेना है बच्चों। ओके ये मिथाइल ग्रुप हो गया, इसको ऑक्सो बोलेंगे। ओके तो हम क्या करें, एक सेकंड बच्चों, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके बच्चों इसको 7 नंबर इधर देंगे ताकि एल्कीन भी हमारी चेन में आ जाए। ओके तो ऐसे में अगर हमें एक कार्बन का कार्बन को कुर्बान भी करना पड़े तो हम कर देंगे बच्चों। ओके अब ये इथाइल यहाँ पर साइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब सही बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, आपके पास में एक सब्स्टिट्यूएंट है ऑक्सो, फिर है आपके पास में ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर है आपके पास में इथाइल ग्रुप। ओके बच्चों क्या है, इथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं बच्चों, इसमें तो ई वाला पहले आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ वाला आएगा। ओके बच्चों, लेकिन उससे पहले देखो 6 नंबर पे आपकी क्या है, एल्कीन है। क्या है बच्चों? 6 नंबर पे आपकी एल्कीन है यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिखोगे बच्चों? ओक्ट, ऑक्सो, ओक्ट नहीं, अब तो 7 आ गए ना बच्चों, तो हेप्ट लिखेंगे बच्चों। इसको क्या लिखेंगे? हेप्ट। 6 नंबर पे एल्कीन है, हेप्ट 6-ईन। ओके बच्चों, और एक नंबर पे क्या है? सल्फोनिक एसिड है। ओके ये आपका बाद में आएगा बच्चों सब, लेकिन उससे पहले आपके सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे बच्चों, जो कि क्या है, देखो अब लिखो, तो इथाइल पहले आएगा, कितने नंबर पे इथाइल ग्रुप आपका? 6 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 6-इथाइल। उसके बाद में किसका नंबर आएगा? मिथाइल का आएगा बच्चों, जो कि एक नंबर पे है, 6-इथाइल, 1-मिथाइल। ऑक्सो कहाँ पर है? 4 नंबर पे है, 4-ऑक्सो। ओके बच्चों, और उसके बाद में अब ये जो आपने लिखा है ये लिख दो बच्चों, ऑक्सो हेप्ट 6-ईन-1 सल्फोनिक एसिड, ये इस गिवन कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा बच्चों। 7-इथाइल नहीं होगा बच्चों, ओके 6-इथाइल है, 2-इथाइल भी नहीं है, 7-मिथाइलीन भी नहीं है बच्चों। ओके करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, और इसको हम बच्चों अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से हम रेफर कर सकते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 336 ऑनवर्ड्स टॉपिक रहेगा बच्चों, और नॉर्मल क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।